अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट कोर्स 2020। सो माय नेम इज़ उमेर मुनीर, आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर। टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर सेकंड लेक्चर। आज हम अपने कोर्स का सेकंड लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर HTML लिस्ट, unordered list, order list and description list, iframe to display web pages from other website on your website, detail overview of HTML and HTML5 semantic elements। ये तीन मेन टॉपिक्स आज में हम डिस्कस करेंगे। इनके अंदर और सब टॉपिक्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आपने गौर से देखने में आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा सारा कुछ डिटेल में। सो हमारा पहला टॉपिक है HTML लिस्ट। HTML लिस्ट तीन टाइप्स की होती हैं। नंबर वन इज़ अनऑर्डर लिस्ट, नंबर टू इज़ ऑर्डर लिस्ट एंड नंबर थ्री इज़ द लास्ट वन इज़ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इन तीनों लिस्ट में बेसिकली फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले। सो सबसे पहले हम लोगों ने एडिटर को खोलना है, सबलाइन को खोलना है। सबलाइन में हमने जाके कंट्रोल प्लस एन करना है, न्यू फाइल खोलनी है, उसको फिर कंट्रोल एस करना है, सेव करना है। आपने जिस मर्जी पाथ में जाके आप अपनी मर्जी से सेव कर सकते हैं, ठीक है। फाइल का नाम लेट्स सपोज मैं इंडेक्स रख रहा हूँ .html, उसकी एक्सटेंशन .html हमेशा रखनी है हमने HTML5 की। सेव किया मैंने, ओके। फिर उसके बाद HTML का कोड लिखा, ठीक है। बॉडी में आ गए, बॉडी में आने के बाद सबसे पहले हमारा था अनऑर्डर लिस्ट। हमारा लिस्ट नंबर वन इज अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट जो है वो UL से स्टार्ट होता है, उसका टैग UL से स्टार्ट होता है। इसके अंदर हम लोग मल्टीपल एलाइज को जनरेट कर सकते हैं, मल्टीपल्स एक से ज़्यादा 1000 किस्म के एलाइज को जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं उसके अंदर कंटेंट भी अपना ऐड कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने 1, 2 और 3 फॉर्मेट के अंदर कंटेंट को ऐड किया, सेव किया। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इसकी आउटपुट क्या हमें शो होगी, वो हम देखते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो हमने इसको रन किया, 1, 2, 3 लिस्ट व्यू के अंदर हमें शो हो गया, बुलेट्स साथ लगे हुए हैं, ठीक है। और हमें लिस्ट व्यू के अंदर हमें शो हो गया ये सारा कुछ। और सेकंड हमारा है, सेकंड नंबर पे हम आते हैं ऑर्डर लिस्ट में, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम ऑर्डर लिस्ट पे आते हैं। सो बेसिकली ऑर्डर लिस्ट का जो टैग है वो OL से स्टार्ट होता है, अनऑर्डर लिस्ट का टैग UL से स्टार्ट होता है और ऑर्डर लिस्ट का टैग OL से स्टार्ट होता है। और इसके अंदर भी हम मल्टीपल एलाइज लिख सकते हैं, मल्टीपल एलाइज को जनरेट करा सकते हैं। मैंने तीन एलाइज लिखी हैं, ठीक है, Ally1, Ally2 कंटेंट में इसके अंदर लिख रहा हूँ Ally1 एंड Ally3, ठीक है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो 1, 2, 3 लिस्ट फॉर्मेट में उसने शो कराया, लेकिन साथ हमें उसने फॉर्मेटिंग दे दी है 1, 2, 3 की, हमें साथ नंबर्स भी शो करा दिए इन सीक्वेंस में, इन सीक्वेंस में हमें नंबर भी शो करा दिए। एंड द लास्ट वन इज़ थर्ड वन इज़ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अच्छा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट का जो टैग है वो DL से स्टार्ट होता है, ठीक है। DL से स्टार्ट होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग। DL के अंदर हम लोग लिखते हैं DT फॉर हेडिंग, ठीक है। उसके बाद आता है DD का टैग, DD फॉर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एक मेन DL का टैग है, फिर उसके बाद DT का टैग आता है, फिर DD का टैग आता है। DT के अंदर हम लोग हेडिंग लिखते हैं और DD के अंदर हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैंने हेडिंग 1 लिखा है और डिस्क्रिप्शन 1 लिखा है, इसकी एक और कॉपी मैं जनरेट करके हेडिंग 2 करता हूँ और डिस्क्रिप्शन 2 करता हूँ। हम इसकी आउटपुट ब्राउज़र में देखते हैं, ठीक है। एक उसने हेडिंग बनाई और उसकी डिस्क्रिप्शन बनाई है, फिर उसने एक हेडिंग बनाई है, एक डिस्क्रिप्शन बनाई, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के अंदर उसने हमें शो करवाई है अपनी आउटपुट। तो ये मेन डिफरेंस है, बेसिकली ये डिफरेंस है लिस्टिंग के, HTML लिस्टिंग के अंदर बेसिकली ये चीज़ें हैं, ये डिफरेंस है इनके अंदर। अनऑर्डर लिस्ट में क्या है, ऑर्डर लिस्ट में क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या है, मैंने आपको डिटेल सारा कुछ बता दिया विद प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल के साथ इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HTML iframes, डिस्प्ले वेब पेजेस फ्रॉम अदर वेबसाइट ऑन योर वेबसाइट। An HTML iframe is used to display a web page within a web page. हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर, हम लोग अपने वेब
पेज के अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स को हम लोग फेच करके डिफरेंट वेब पेजेस के यूआरएल्स को लिंक को अपनी वेबसाइट के अंदर हम लोग उनको ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपने वेब पेज के अंदर उनको शो करवा सकते हैं वेरी इजीली, वेरी सिंपली। मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि होता क्या है, बेसिकली क्या क्राइटेरिया है इस चीज़ का। तो हम लोग चलते हैं वापस अपने एडिटर की तरफ, सबलाइम ओपन करते हैं। हमने जस्ट आई फ्रेम लिखना है, आई फ्रेम का टैग आई फ्रेम से स्टार्ट होता है और ये सोर्स है, सोर्स में हम लोग पाथ डिफाइन करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था सोर्स के अंदर हम लोग पाथ डिफाइन करते हैं हमेशा। तो लेट्स सपोज मैं फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, जैसे कि address.com एक वेबसाइट मैंने रैंडमली ओपन की, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया है, ये लोड हो रही है। लोड होने के बाद मैंने इसका जो है जस्ट URL कॉपी कर लिया है। URL कॉपी करने के बाद मैंने इसकी सोर्स में जाके इसको पेस्ट कर दिया है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। और फिर मैं एट्रीब्यूट्स इसके डिफ़ाइन कर रहा हूँ, हाइट 500 pixel, ठीक है, और सेकंड एट्रीब्यूट मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ विथ 500 pixel, ठीक है। सेव करके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने किसी और वेबसाइट को अपने वेब पेज के अंदर हमने इजीली इंटीग्रेट कर लिया, हमने वेरी सिंपली हमने विद इन 5 मिनट्स के अंदर हमने इंटीग्रेट कर लिया। और हम लोग हाइट विड्थ जो है अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं 500 से इसको 1000 कर रहा हूँ, इसको भी मैं 500 1000 कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर है, टोटली इंटायरली आपके ऊपर है। देखें इसकी हाइट विड्थ जो है दोनों बढ़ गई है, तो ये आपके ऊपर है, आपने जितनी भी हाइट विड्थ रखनी है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो चलते हैं अपने अब लास्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग अब मूव करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है HTML एंड HTML5 सेमेंटिक एलिमेंट्स। सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML एंड HTML5 के अंदर सेमेंटिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं और सेमेंटिक एलिमेंट्स किसको कहते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सेमेंटिक एलिमेंट्स कुछ प्रीडिफाइंड टैग्स एलिमेंट्स हैं जो हमें HTML की तरफ से हमें मिले हुए, लेट्स सपोज हेडर, नेविगेशन, आर्टिकल एंड फुटर, ये कुछ प्रीडिफाइंड एलिमेंट्स सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं, कुछ टैग्स हैं, कुछ इसको आप टैग्स कह लें, एलिमेंट्स कह लें, ये हमें गिवन होते हैं। लेट्स आते हैं अपने एडिटर की तरफ, ये कुछ इस तरह के हमारे टैग्स होते हैं, हमारे जो हमें गिवन टैग्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, हेडर, सेक्शन, आर्टिकल, फिगर, इमेज, फिगर कैप्शन, ये कुछ इस तरह के हमारे कुछ सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं HTML की तरफ से हमें मिलते हैं। हेडर भी हमने मोस्टली यूज़ करना होता है, हम जब अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं, फुटर भी हम यूज़ करते हैं, और कंटेंट हम लोग उसके अंदर जो इनर सेक्शंस होते हैं वो भी हमें लाजमी तौर पे हमें बनाने ही बनाने होते हैं, वो हम सेक्शन यूज़ करते हैं। फिर आर्टिकल भी हम लोग यूज़ करते हैं, फिगर भी हम लोग यूज़ करते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट फिगर, और फिर इमेज इसी तरह, फिर इस तरह फिगर कैप्शन भी हम लोग यूज़ करते हैं, और इनके साथ साथ हमने इनके क्लोजिंग टैग हमने लाजमी बंद करने हैं। क्लोजिंग टैग अगर हम बंद नहीं करेंगे तो फिर हमारा डिज़ाइन वगैरह इस तरह अपलोड नहीं होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा डिज़ाइन वगैरह हमारा। तो ये कुछ सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं HTML 5 के, ये इस तरह से लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पर लिख के दिखाता हूँ। हेडर को हमने हेडर लिखा तो उसने क्लोजिंग टैग भी हमें ऑलरेडी खुद ही से दे दिया। मेन लिखता हूँ तो मेन के साथ क्लोजिंग टैग भी आ गया, ठीक है। लेट्स सपोज मैं फुटर लिखता हूँ तो फुटर के साथ भी मुझे क्लोजिंग टैग मिल गया है। हमें आर्टिकल लिखता हूँ तो आर्टिकल भी आ गया, ठीक है। इसके बाद फिगर लिखता हूँ, फिगर भी आ गया। तो ये कुछ जो है ना हमारे ये सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं जो HTML 5 के हैं। तो मैंने आपको प्रॉपरली आपको मैंने उनका बता भी दिया क्या होते क्या हैं क्या चीज़ है। आज के हमारे टॉपिक्स मेन टॉपिक्स यही थे, उनके अंदर कुछ सब टॉपिक्स थे वो भी मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ वीडियो के अंदर, ठीक है, और प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके भी दिखाया सारा कुछ। अगर किसी भी किसी चीज़ का डाउट हो तो आप दोबारा वीडियो को देखें, या कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।